मुझे ऐसा लगा कि जिस लिहाज से उस सोसाइटी की जो रोड्स हैं, जो सर्विस रोड्स हैं या जितनी भी रोड्स हैं, उनको जिस तरीके से कुशादा होना चाहिए या जिस तरीके से कह लीजिए कि थोड़ा खुला होना चाहिए, मुझे वो उस तरह से नहीं लगी। इस बारे में आपने व्यूअर्स को बताना है कि व्हाट व्हाई आर यू लाइक जो कैंसिलेशन हो रही है फाइल्स की, वो किन बेसिस के ऊपर हो रही है और किस तरीके से जो है लोग अपनी फाइल्स को कैंसिल होने से बचा सकते हैं। फिर मुझे क्या जरूरत है कि मैं आपसे न्यू रेट के ऊपर दूँ जो मुझे ऑलरेडी फ्रेश बुकिंग मार्केट से मिल रही है। मैं D12 के साथ कंपैरिजन करूंगी, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि D12 के अलावा या हमारी सराउंडिंग के अलावा RD के किसी भी प्रोजेक्ट के साथ हमारा कोई कंपैरिजन बनता है। कोई क्लाइंट मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि आप 85 में दे रहे हो 5 मरला का प्लॉट ओवरसीज का, जबकि मुझे मार्केट से 65, 70 या 75 की प्लॉट की चीज़ ऑप्शन अवेलेबल है। तो हम उसको यही कहते हैं कि ठीक है, अगर उसको मार्केट में इसे कम प्राइस पे रीसेल में प्लॉट अवेलेबल है तो वो मार्केट से उस रीसेल के प्लॉट को परचेज कर सकता है, देयर इज नो इशू। आज मैं मौजूद हूँ पार्टी सीरी के हेड ऑफिस में एंड आई हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद मी, मिस किशन सी, हु इज द सीनियर सेल्स मैनेजर ऑफ पार्टी सीरी इस्लामाबाद। एंड सबसे पहले तो हम लोग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और बहुत सारी नॉलेज आप लोगों से शेयर करते हैं एंड मैं इसी तरह का कॉन्टेंट बनाने की कोशिश करती हूँ कि जिसमें आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की क्यूरीज सॉल्व हो सके, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल सके। एंड एवरीथिंग दैट आई मेक आई वॉन्ट इट कि आप लोगों का जो वक्त है वो ज़ाया ना हो। ओके, सो आज के वीडियो में हम किस बारे में बात करने वाले हैं, मैं आप लोगों को प्रोसेस के बारे में बता देती हूँ। मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ पार्टी ऑफ सिटी के जो जितने भी इस्लामाबाद के मेन पॉइंट्स हैं, रामकुंडी के कुछ मेन पॉइंट्स हैं, उधर से एक्सेस की हम लोग बात करने वाले हैं कि पार्टी सिटी कितने किलोमीटर के फासले पर है। हम लोगों ने जो है प्रॉपर रिसर्च करके आप लोगों से वो शेयर करने वाले हैं। उसके बाद मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ कि अभी रिसेंटली जो है पार्टी सिटी की क्या अपडेट्स हैं, ठीक है। उसके बाद कौन से वो लोग जो पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों में रहते हैं, ओवरसीज हमारे पाकिस्तानी हैं, हमारे ओवरसीज क्लाइंट्स हैं, पार्टी सिटी इस्लामाबाद क्यों उनके लिए बेहतर ऑप्शन है अगर वो इस्लामाबाद में रहना चाहते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो ओवरऑल मेजरमेंट्स हैं पार्टी सिटी के, जो मेन रोड्स हैं उसके बारे में, डेवलपमेंट स्टेटस के बारे में, अभी रिसेंटली बेल्टिंग हुई थी लास्ट ईयर, अभी दोबारा बेल्टिंग होने जा रही है, कौन सा ब्लॉक है जो जिसकी बेल्टिंग होने वाली है, हम उस बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है और आप लोगों का जो एक सबसे हॉट फेवरेट टॉपिक रहा है अभी तक जे ब्लॉक, हम जे ब्लॉक के बारे में बात करने वाले हैं, तो आप लोगों ने ये वीडियो एंड तक देखनी है। अब मेरा है पहला सवाल किशा से, आई वॉन्ट टू आस्क यू दिस क्वेश्चन, जिस तरह मैंने आप लोगों से तो बताया हम लोग एक्सेस पॉइंट्स डिस्कस कर रहे थे, एंड आई वॉन्ट यू टू टेल योर व्यूअर्स द क्लाइंट्स एंड एवरीवन जो मेन मेन हमारे एरियाज हैं इस्लामाबाद के, रावलपिंडी के, कितने किलोमीटर्स के फासले पर जो है पार्टी सिटी उससे आता है एंड व्हाट मेक्स इट द मोस्ट प्रीमियम लोकेशन इन इस्लामाबाद। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मारिया हमारे पास आने के लिए और इतना अच्छा कंटेंट लोगों को प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि आपके उसकी वीडियोस की वजह से हमारे क्लाइंट्स को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है जो वो डायरेक्टली शायद हमसे नहीं पूछ पाते या कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते, तो आपके थ्रू वो चीज़ें उन तक वो पहुँच जाती हैं। तो जो आपका जो क्वेश्चन था, लैंडमार्क्स जो है हमारे में, अगर हम लोग यहाँ ब्ले एरिया से देखते हैं तो ब्ले एरिया से आप जाते हो सरीना, सबसे पहले हमारा सरीना चौक आता है, सरीना चौक को क्रॉस करोगे, इस्लामाबाद क्लब को क्रॉस करोगे एंड देन आप रावल चौक पहुँचोगे। रावल चौक से आप पार्क रोड की तरफ टर्न ले लेते हो, पार्क रोड से आप कुरी रोड पर जाते हो तो आपका पार्टी सिटी आ जाता है। अच्छा, सुनने में बहुत दूर लग रहा है बट आपको पता है कि ब्लू एरिया से यह 0.2 फेमस पॉइंट्स हैं, ठीक है। वहाँ से आपका डिस्टेंस कितना है, इट्स 20 किलोमीटर। ओह वाओ, ठीक है। आप 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपका पार्किंग सीट अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस्लामाबाद से नहीं जा रही हूँ, इफ़ आई एम कमिंग फ्रॉम रावलपिंडी, तो फैजाबाद इज द मेन पॉइंट। फैजाबाद से आप मरी रोड की तरफ टर्न ले लेते हो, यू हैव टू क्रॉस द रावल चौक। अच्छा, फैजाबाद से भी यहाँ मैंने निकाल के रखा हुआ कि हमारा फैजाबाद से ट्रैवल कितने, तो दैट इज 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर है फैजाबाद से पार्किंग सिटी, ठीक है। अच्छा, थर्ड एक्सेस जो है हमारी, दैट इज़ बाराको। बाराको से भी आप जा सकते हो, अगर आप मरी की तरफ से आ रहे हो तो आप बाराको के रोड को यूज़ करो कि सिमनी डैम रोड जो है हमारी, उससे होते हुए आप पार्किंग सिटी में अंदर जा सकते हो एंड दैट डिस्टेंस इज 8 किलोमीटर। ओके, अच्छा, मैंने थोड़ा सा और हम काम किया था उस पर कि मैंने देखा था कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट से हम बहुत ज़्यादा कंपेरिजन करते हैं कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट से कितनी दूर है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से ये तकरीबन 40 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है।
E11 का मैंने निकाला कि E11 से एयरपोर्ट कितनी दूर है, तो E11 से एयरपोर्ट इज 34 किलोमीटर। लेकिन अगर मैं टाइम डिस्टेंस देखूँ, ये मैं आपको किलोमीटर में बता रही हूँ, लेकिन अगर मैं रोड पर ट्रैवल करूँगी, अगर मैं E11 से जा रही हूँ तो देर आर सो मैनी सिग्नल्स, ट्रैफिक सिग्नल्स, देर इज सो मच ट्रैफिक, मैं स्टक हो जाती हूँ, मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं पार्को सिटी से एयरपोर्ट की तरफ जा रही हूँ तो आपने श्रीनगर हाईवे पर रहना है, देर इज ओनली वन सिग्नल। इस्लामाबाद आप जब एयरपोर्ट इस्लामाबाद एयरपोर्ट से पार्को सिटी जाओगे तो आपको रास्ते में जस्ट एक सिग्नल क्रॉस करना होगा, बाकी पूरा सिग्नल फ्री आपका रोड है आपको मिलेगा। दैट सिग्नल इज ओनली सरीना वाला सिग्नल जो आपको मिलता है, सरीना चौक का सिग्नल, जस्ट आपको वो सिग्नल क्रॉस करना होगा, और उस पर भी काफ़ी कम अब ट्रैफिक है, वो काफ़ी अच्छा है, इन्होंने आप प्लान बना दिए कि आपको वो जो फिल्टर कर दिए ना ट्रैफिक को, तो जो आप सरीना चौक पर आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलता था, वो ट्रैफिक आपको सरीना चौक पर उस तरह से नहीं मिलता है, ठीक है। ठीक है, अच्छा, तो उसमें मैं आपको बताती चलूँ कि आपको अगर वो रोड पार्क रोड का थोड़ा सा है कि पार्क रोड जो तंग है थोड़ा, उस पर ट्रैफिक ज़्यादा है, कुरी रोड जो है वो इतना खुला रोड नहीं है, वहाँ पर ट्रैफिक है, तो कल को जब वहाँ पर लोग रहना शुरू कर देंगे ट्रैफिक का फ्लो और ज़्यादा हो जाएगा, तो वो डिस्टर्ब होगा। तो मैं अपने देखने वाले को बताती चलूँ कि अगर आप सीडी की वेबसाइट पर जाके सीडी का अपडेटेड प्लान देखेंगे तो आपकी वो जो रोड्स हैं वो ऑलरेडी अप्रूव्ड हो चुकी हुई हैं 100 फिट की, ठीक है। दैट मीन्स कि वो रोड्स वहाँ से खुली हो जाएंगे। अच्छा, फिर एक दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि सीडी अप्रूव तो करते तब बनने में कितना टाइम लगता है, तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि लेटेस्ट अपडेट ये है कि उन्होंने जो प्रपोजल रिसीव किए थे कॉन्ट्रैक्ट असाइन करने के लिए, उनको रिव्यू करना शुरू कर दिया। दैट मीन्स एनी टाइम दे विल असाइन द कॉन्ट्रैक्टर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स को अपने कॉन्ट्रैक्ट असाइन कर देंगे, और आपके उन दोनों रोड्स के ऊपर काम जब शुरू हो जाएगा तो आपकी कंप्लीट ये 100 फिट की एक्सेस हो जाएगी टुवर्ड्स सोसाइटी, जो आपकी सोसाइटी को लिंक करेगी, और यहाँ पर कोई इस तरह का ट्रैफिक वाला स्नैरियो क्रिएट नहीं होगा जो कि लोगों को फेस करना पड़ता है जब हम DHA की तरफ जाते हैं या जब हम बैरियर टाउन की तरफ जाते हैं, तो एक PWD वाली जो फील है वो नहीं कभी भी क्रिएट होगी। राइट, ये जो डिटेल्स अभी आप लोगों से शेयर की हैं, ये दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, और मैं आपको जनरली बता रही हूँ कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जब हम इन्वेस्टमेंट्स के डिसीजन ले रहे होते हैं ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, बिलीव इट और नॉट, बिकॉज वी ट्रैवल ऑफ्टन एंड वी नो कि जब इस तरह के इश्यूज आते हैं रोड्स के, वी अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल कि कितना ज़्यादा हमें प्रॉब्लम होता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा, ये सारी डिटेल्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं बिफोर यू आर मेकिंग अ डिसीजन टू मेक इन्वेस्टमेंट फॉर योरसेल्फ इन एनी प्रोजेक्ट। अच्छा, ये मेरा पहला सवाल कंप्लीट हो गया। नाउ द सेकंड क्वेश्चन दैट आई वांटेड टू आस्क यू अबाउट वाज कि मैंने डिफरेंट कुछ और सोसाइटीज भी देखी हैं जिनको मैं कंपैरिजन नहीं कर सकती, लेकिन मैंने देखी हैं वहाँ पर काम चल रहा है, एंड वन थिंग दैट आई डिड नॉट लाइक वाज कि मुझे ऐसा लगा कि जिस जहाँ से उस सोसाइटी की जो रोड्स हैं, जो सर्विस रोड्स हैं या जितने भी रोड्स हैं, उनको जिस तरीके से कुशादा होना चाहिए या जिस तरीके से कह लीजिए कि थोड़ा खुला होना चाहिए, मुझे वो उस तरह से नहीं लगी। तो मैं ये चाह रही थी, मैं पार्को सिटी इस्लामाबाद मैंने विजिट किया है एंड एक्चुअली आई रियली लाइक द वे उसकी रोड्स हैं एवरीथिंग, बट मैं उसकी जो मेजरमेंट्स हो गई रोड्स की, इंफ्रास्ट्रक्चर उसका, थोड़ा सा मैं ये चाह रही थी कि आप शेयर करें व्यूअर्स के साथ कि हाउ आर यू वर्किंग ऑन दैट, ताकि लोग जो है उधर, ऑफकोर्स की लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है, देयर इज नो वे कि आप वहाँ पर कंजेस्टेड या सफोकेटेड फील करेंगे, बट हाउ आर यू मेकिंग इट लाइक उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, किसके रोड्स खुले हों और किस तरीके से, वो सारी चीज़ें मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा मुझे बताएं। उसमें ये है कि हमारे जो मेन एक्सेस रोड है जो कि लिंक करती है टू द ब्लॉक्स, जैसे आप सोसाइटी में इंटर होते हो, दैट इज़ 200 फिट रोड, और सोसाइटी में इंटर होने के बाद जो रोड हमारी जो मेन रोड्स हैं बुलेवार्ड्स जिनको हम कहते हैं, जो कि हमारे डिफरेंट ब्लॉक्स को कनेक्ट कर रही हैं, वो 80 और 100 फिट की रोड्स हैं, ठीक है। दैट वो अच्छी खुली रोड्स हैं जिनके ऊपर आप इजीली अपने डिफरेंट ब्लॉक्स को कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन जो मेन आपकी एक्सेस रोड है दैट इज़ 200 फिट रोड, जो कि एक अच्छा काफ़ी मुनासिब साइज होता है किसी भी रोड का मेरे ख्याल में। या नाउ कमिंग टुवर्ड्स माय थर्ड क्वेश्चन, ओवरऑल इस टाइम पर डेवलपमेंट स्टेटस के हवाले से अगर बात की जाए, पार्को सिटी में बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। रिसेंटली आई वाज देयर, आई वाज एट द फूड कोर्ट, आई एक्चुअली लव्ड द एक्सपीरियंस वहाँ पर, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि जिस तरीके से इकॉनमी चल रही है एंड एवरीथिंग इज डिफिकल्ट फॉर एवरीवन, बट स्टिल पार्को सिटी अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है एंड अभी आप लोग आगे जाके पोजेशंस भी अनाउंस करने वाले हैं, थोड़ा सा मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि जो हमारा जे ब्लॉक हो गया, उसके अलावा जो कुछ और पुराने ब्लॉक्स हैं, उसके बारे में, उसकी बैलेटिंग के हवाले से, पोजेशन के हवाले से,
जो है मैं आपसे अपडेट्स में चाहूँगी कि आपको ऐसा माइग्रेशन होगा। अच्छा, उसमें मैं बताती चलूँ कि देखो जब इकोनॉमी आपकी स्लो होती है तो आपका जो कस्टमर होता है ना वो थोड़ा सा डाउट में जा रहा होता है कि हाँ। पता नहीं मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, मैंने इन्वेस्टमेंट तो कर दिए, वो सिक्योर है या नहीं है। तो उसकी सिक्योरिटी के लिए, उसके ट्रस्ट के लिए हम क्या करते हैं कि हम अपनी डेवलपमेंट की स्पीड को थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं। हम अपनी पोजिशन की चीज़ों को डिलीवरी की तरफ हम आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल ये है कि हम मार्च में इंशाल्लाह मार्च फर्स्ट वीक में होपफुली वी आर डोंट थिंक जे ब्लॉक की जो पोजीशन है वो हम अनाउंस करने जा रहे हैं। और उसके अलावा ओवरसीज ब्लॉक का मैं आपको बताती चलूँ, हमारे कुछ कस्टमर्स थे प्रायोरिटी कस्टमर जिन्होंने अपने 100% यूज़ क्लियर किए थे, उनके लिए हम कुछ एरिया तैयार कर चुके हैं जिसके ऊपर हम उनको नियर सोन पोजीशन देने जा रहे हैं। बाकी गोल्फ स्टेट है, गोल्फ स्टेट की इंशाल्लाह बैलेटिंग के ऊपर चीज़ें हमारी चल रही हैं, एट एनी टाइम उसकी डेट अनाउंस कर दी जाएगी। एंड हम ओबियसली एक थोड़ा टाइम मार्जिन देंगे क्लाइंट्स को अनाउंस करने से, जो भी डेट अनाउंस होगी थोड़ा टाइम मार्जिन देंगे सो दैट दे कैन फुलफिल द क्राइटेरिया, अगर जो भी क्राइटेरिया उसका डिसाइड होता है कि किस क्राइटेरिया पे उसकी बैलेटिंग होने जा रही है। हिल स्टेट जो है वो हमने अभी कुछ अर्सा पहले ही लॉन्च किया है, लेकिन इंशाल्लाह उसके ऊपर भी काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी। तो हमारा फोकस ये होता है कि अगर इकोनॉमी थोड़ी डाउन जा रही है, दैट मीन्स अगर इन्वेस्टर या एंड यूज़र थोड़ा परेशान हो रहा है तो उसको थोड़ा रिलीफ दिया जाए, उसको डिलीवरी की तरफ लेके जाया जाए, उसका ट्रस्ट जो है उसको मेनटेन रखा जाए। हम जिसका भी आप इन्वेस्टर्स की और फिर क्लाइंट्स की रीड की बात करें तो मेरे जहन में एक सवाल आया उससे जो मैं आपसे पूछना चाह रही थी। लेट्स सपोज ऐसा होता है अक्सर औकात कि जिस तरह फॉर एग्जांपल ओवरसीज ब्लॉक है, ठीक है, उसका लॉन्चिंग रेट आया 65 फिर 475 फिर इस तरह करके, मतलब हो सकता है मैं प्राइसेस थोड़ा सा गलत बता रही हूँ बट आई थिंक यही रेट्स है। तो जब ये वाली सिचुएशन होती है, प्राइसेस चेंज हो जाती है और आपका लेट्स सपोज कोई इन्वेस्टर था जो जिसने 75 लाख का न्यू वाला रेट लिया और उसके बाद जब आपकी दोबारा से प्राइसेस चेंज हुए, अब वो इन्वेस्टर अपना उसने इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया, अब वो आगे मार्केट में उसको सेल आउट करना चाह रहा है, ओके नाउ मतलब फर्दर जो बायर है उस फ्लाइट का जो उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, वो मार्केट में रिसर्च करता है, वो कहता है अच्छा मुझे तो जो ओल्ड रेट्स है उसकी भी फ्रेश बुकिंग मिल रही है मार्केट में, मुझे तो फिर मुझे क्या जरूरत है कि मैं आपसे न्यू रेट के ऊपर दूँ जब मुझे ऑलरेडी फ्रेश बुकिंग मार्केट से मिल रही है। तो ये चीज़ इन्वेस्टर को परेशान करती है और ये चीज़ मुझे एक दो लोगों ने मुझसे पूछी क्योंकि उनको नहीं समझ आई ये चीज़। तो इस बात को आप किस तरीके से, व्हाट डू यू थिंक इज़ द सॉल्यूशन टू दैट और क्या करना चाहिए? देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि हमारा जो पहला लॉन्चिंग रेट था दैट वाज 45। इस तरह अगर हम बात करें तो हमारे जो जब हमने पार्क्यू को लॉन्च किया था हमने पहला प्लॉट 30 लाख पर भी सेल किया हुआ है। अगर मैंने एक प्लॉट 30 पे से सेल कर दिया आगे क्लाइंट को, अब वो प्लॉट आपके पास चला गया, यू कैन सेल दैट प्रोडक्ट ऑन 1 crore या 80 या 50, दैट इज़ योर प्रोडक्ट नो, ठीक है ना, वो आपके पास राइट है उसका, आप उसको किस प्राइस के ऊपर सेल करते हो, ठीक है। पहली चीज़ तो ये आपकी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई क्लाइंट है मेरे पास आते हैं वो कहते हैं कि आप 85 में दे रहे हो 5 मरला का प्लॉट ओवरसीज का, जबकि मुझे मार्केट से 65, 70 या 75 की प्लॉट की चीज़ ऑप्शन अवेलेबल है, तो हम उसको यही कहते हैं कि ठीक है अगर उसको मार्केट में इसे कम प्राइस पे रीसेल में प्लॉट अवेलेबल है तो वो मार्केट से उस रीसेल के प्लॉट को परचेज कर सकता है, देर इज़ नो इशू। हाँ, उसमें ये होता है कि वो फ्रेश बुकिंग इस वजह से नहीं होती क्योंकि आपने एज ए इन्वेस्टर मुझसे वो प्लॉट परचेज कर लिया हुआ है, दैट मीन्स कि वो प्लॉट आपके नाम पे बुक हो चुका है और उसके इंस्टॉलमेंट का सर्कल स्टार्ट हो चुका हुआ है। दैट मीन्स कि अगर वो मैंने आपके पास छः महीने आपने होल्ड कर रखे तो उसके ऊपर 2 इंस्टॉलमेंट्स ओवरड्यू भी हो चुकी हैं, ठीक है। तो वो एक थोड़ा सा सिनेरियो होता है, उसमें क्लाइंट ने फिर खुद डिसीजन लेना होता है। सेमटिम होता है कि क्लाइंट के पास इतना फंड्स होते हैं कि वो कहते हैं कि कोई मसला नहीं है, इनिशियली मुझे अपफ्रंट पेमेंट ज़्यादा करनी पड़ेगी, लाइक मेरी डाउन पेमेंट है साथ मुझे 2 इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी, बट नो प्रॉब्लम एट ऑल, मुझे प्राइस में डिफरेंस मिल रहा है, तो वो मार्केट से ले लेते हैं रीसेल का। और समटाइम ऐसा होता है कि क्लाइंट कहते हैं कि नहीं मेरे पास अभी इतने फंड्स अवेलेबल नहीं है, आई विल गो फॉर द फ्रेश बुकिंग सो दैट कि मुझे जस्ट डाउन पेमेंट ही पे करनी पड़े और उसके साथ साथ मैं अपनी इंस्टॉलमेंट जो है अपने तरीके से अपने टाइम पीरियड के साथ पे करता जाऊँ, तो वो उसमें जा सकता है। लेकिन ऑब्वियसली मार्केट में रीसेल में चीज़ें अवेलेबल होती हैं, ऑप्शन अवेलेबल होती हैं एंड दे आर फ्री टू गो मार्केट सर्च करके वो मार्केट से रीसेल की चीज़ों को परचेज कर सकते हैं, उससे हमारी मार्केट अच्छी होती है। ओके मुझे अभी इसी इन्वेस्टर्स के बारे में बात करते कहते हैं रिसेंटली आई हैव सीन पार्क्यू जो है वो कुछ फाइल्स कैंसिल भी कर रहा है, ऐसा है? बिल्कुल जी, हम इसके बारे में आपने व्यूअर्स को बताना है कि व्हाट व्हाई आर यू लाइक जो कैंसिलेशन हो रही है फाइल्स की वो किन बेसिस के ऊपर हो रही है और किस तरीके से जो है लोग अपनी फाइल्स को कैंसिल होने से बचा सकते हैं।
उसमें ये कि अगर किसी की 3 installments ओवर ड्यू हैं, उनको कैंसिलेशन के लेटर गए हैं, लेकिन अगर वो उसको रिस्टोर करवाना चाहते हैं दे कैन कम. उनको अपनी इंस्टॉलमेंट्स क्लियर करनी होगी, वो उसको रिस्टोर करवा सकते हैं. लेकिन देर आर फ्यू प्राइसेस, जैसे 45 की जो प्राइस क्या है, अगर उसमें लाइक किसी ने 45 के बाद जस्ट डाउन पेमेंट पे की हुई है एंड दैट पर्सन डिडंट पे एनी इंस्टॉलमेंट, उसके बाद से वो बिल्कुल बस डेट फाइल थी, तो उसके ऊपर ये कि दैट पर्सन नीड टू कॉन्टैक्ट विद द रिकवरी टीम. वो रिकवरी टीम से कॉन्टैक्ट करे, वो अपनी एप्लीकेशन दे जो भी है, उसमें फिर जो भी प्रोसेस होगा, जो भी पॉलिसी होगी, वो उसके केस टू केस उसको डिसाइड किया जाएगा. बिकॉज देर आर क्लाइंट जो कि पे कर रहे हैं लेकिन सम हाउ कुछ रीजंस की वजह से कुछ इंस्टॉलमेंट उसकी मिस हो गई हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट केस. दैट इज़ अ डिफरेंट केस के अगर आपने डाउन पेमेंट दे के उसके बाद आपने कुछ भी पे नहीं किया एंड योर प्लॉट इज़ ऑलरेडी ऑन 10 lakh 15 lakh प्रॉफिट के ऊपर, वो मार्केट में सेल हो रहा है, तो उसके लिए एक डिफरेंट सिचुएशन है. तो केस टू केस देख रहे हैं, लेकिन ये कि टीम इज़ वेरी कोऑपरेटिव. आपको अगर कोई प्रॉब्लम है आप कॉन्टैक्ट करें, आप आए और रिकवरी डिपार्टमेंट जो इंशाल्लाह उसको सॉर्ट आउट करेगा. ओके, नाउ दिस वाज वेरी इंफॉर्मेटिव. ये मेरे लिए भी, मुझे भी इस चीज में कंफ्यूजन थी रिगार्डिंग कैंसिलेशन ऑफ फाइल्स. नाउ आई थिंक आई आल्सो नो, यू आल्सो नो के व्हाट्स गोइंग ऑन. अनदर क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहती थी वो ये है कि देखिए, जिस तरह हमारे बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज में रहते हैं, ठीक है, उनकी ख्वाहिश है कि वो इस्लामाबाद में आके रहें. ठीक है, वो इस्लामाबाद क्योंकि इस्लामाबाद इज ब्यूटिफुल, इट हैज एवरीथिंग, इट्स अ कैपिटल, इट मेक्स सेंस कि व्हाई इट इज सो अट्रैक्टिव टू एवरीवन आउट देयर, चाहे वो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हो, चाहे वो हमारे दूसरे शहरों में रहने वाले पाकिस्तानी हो, सेम है. तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि व्हाई यू थिंक कि पार्क्यू सिटी इज इन द सीरियस सेक्टर, इट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू इफ यू वॉन्ट टू लिव इन इस्लामाबाद, पहले तो आपने मुझे ये बताना है. ठीक है, और दूसरा सवाल जो मेरा है वो आपसे ये है कि अब जाकर कुछ लोग हैं, हालांकि वी नो कि पार्क्यू हैज वर्क लाइक अ लॉट, स्टार्टिंग में जो लॉन्चिंग रेट्स थे उतने ज्यादा नहीं थे, अभी जहाँ पर पार्क्यू है इट इज लाइक देयर इज बीन अ होल जर्नी बिहाइंड इट. लेकिन कुछ लोगों को अभी जो शायद अभी जान रहे हो पार्क्यू के बारे में, उनको ऐसा लगता है कि ओवर प्राइस है, तो आपने ये भी बताना है कि हाउ डू यू जस्टिफाई द प्राइसेस ऑफ द प्लॉट्स ऑफ इन पार्क्यू सिटी, जितने भी साइजेज हैं जो भी रिसेंटली लॉन्च हो रहे हैं, तो वो, और दूसरा व्हाई डू यू थिंक दैट ऑल ऑफ अस उसमें हमारी मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊँगी. मैं सिर्फ सिंपली इतना कहूँगी कि जो लोकेशन हमारे पास है पार्क्यू सिटी के पास है, और जैसे एक्सेस पॉइंट्स को हमने डिस्कस किए हैं, जितना नियरेस्ट ये आपके एरिया से F6 F7 से, लिटरली अगर आप ग्रेरिया से जा रहे हो पार्क्यू सिटी, तो जितना टाइम आपको लगता है लिटरली उतना ही उससे कहीं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है आपको टुवर्ड्स E11 एंड D12 जाने के लिए, जो कि सीरियस सेक्टर्स हैं. ठीक है, मैं D12 के साथ कंपैरिजन करूँगी बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि D12 के अलावा या हमारी सराउंडिंग के अलावा RDA के किसी भी प्रोजेक्ट के साथ हमारा को कंपैरिजन बनता है. D12 में इस वक्त राइट नाउ वहाँ पर 4.5 crore तक आपको 4 मरला का प्लॉट मिलता है. ठीक है, D12 से E11 पुराना है. E11 और D12 के अगर हम प्राइसेस देखने के लिए जाएं तो E11 की प्राइसेस थोड़ी सी कम है, D12 की ज़्यादा है. डेवलपमेंट में E11 ज़्यादा डेवलप है, D12 अ लिटिल उतने डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन उसकी प्राइसेस ज़्यादा हैं. वाई डेवलप्ड है, पुराना है, उसके अलावा E11 की प्राइसेस कम है, D12 की प्राइसेस ज़्यादा हैं. क्यों? ओनली फॉर द लोकेशन, ओनली लोकेशन, लोकेशन की वजह से, उसके व्यूज़ की वजह से उसकी प्राइसेस जो हैं वो E11 से ज़्यादा हैं. ठीक है, तो द मेन थिंग, आप जब भी घर लेते हो, जब भी आप इन्वेस्टमेंट के लिए भी देखते हो, तो हमेशा आपकी पहली जो चीज़ होती है, जो आपके माइंड में होती है, दैट इज़ लोकेशन, कि आप कहाँ रहने जा रहे हो, वो एरिया कितना पीसफुल है आपके लिए, वो कितना एक्सेसिबल है एरिया आपके लिए, तो ये मेन चीज़ें होती हैं. और फिर जब अगर हम बात करते हैं उस एरिया की, हम Zone 4 की बात करते हैं, तो आप पार्कव्यू की सराउंडिंग में प्राइवेट लैंड की प्राइसेस जाके देखें, जो वहाँ पर प्राइवेट लैंड है, जिसके ऊपर आप, जहाँ कोई बायलॉज नहीं होंगे, आपकी प्राइवेट लैंड है, आपने उसको डेवलप खुद करना है, वहाँ पर जितनी भी फैसिलिटीज सर्विसेज हैं वो आपने खुद लेके आनी है, जहाँ आपको सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, आपको हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी होगी, वहाँ पर आप जाके प्राइस चेक करें. Right. Then you can compare with us. अगर आप हमें कंपेयर करोगे RDA के किसी एरिया के साथ, या फिर ऐसी सोसाइटीज़ के साथ जो कि यहाँ से काफ़ी दूर हैं, तो फिर हाँ हम आपको थोड़ा महंगे लगेंगे. लेकिन अगर आप हमारा कंपैरिजन इस्लामाबाद सेक्टर्स के साथ करोगे, सीरियस सेक्टर्स के साथ करोगे, तो लिटरली आप लोगों को हम बहुत सस्ते लगेंगे. बिल्कुल ऐसा ही है, 100% यू राइट. और मैं इस क्वेश्चन को इसीलिए भी मेंशन करना चाहती थी, क्योंकि
मुझे बहुत सारे लोग जिनको ऑफकोर्स आई अंडरस्टैंड जरूरी नहीं है कि जो बंदा हमें कॉन्टैक्ट करे उसको सब कुछ पता होना चाहिए. लोग हम लोग यहाँ पे इसीलिए ताकि आपको गाइड कर सके. अक्सर मैं ऐसे लोग ये सवाल पूछते हैं और मैं उनको हमेशा ये बात समझाती हूँ, बट दिस टाइम आई डिसाइडेड कि आई विल ब्रिंग अप दिस क्वेश्चन क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए अंडरस्टैंड करना. कमिंग टू माय लास्ट क्वेश्चन जो मेरा आपसे है वो ये है कि इस टाइम पर जो करंट बुकिंग्स चल रही हैं, ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि कौन सा ब्लॉक है, कोई न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है, कौन कौन सी बुकिंग्स हैं जो इस टाइम पे अवेलेबल है. लाइक समवन वांट्स टू बुक देयर प्लॉट और दे वांट टू बुक एनीथिंग, वो क्या करें इसके लिए थोड़ा सा बता दीजिए. हमारी अभी हमारे पास हिल स्टेट की बुकिंग ओपन है. हिल स्टेट में हम 5 मरला 10 मरला की बुकिंग कर रहे हैं. हम लोगों ने अभी रिसेंटली टेरेस अपार्टमेंट्स लॉन्च किए हैं. टोटली रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं, बहुत खूबसूरत सर्विस अपार्टमेंट टाइप. उनका काफ़ी अच्छा फीडबैक आया, उसकी बुकिंग्स हम लोग कर रहे हैं. उसमें 2 बेडरूम है, 3 बेडरूम की ऑप्शन अवेलेबल हैं. इसके अलावा हमारे पास जो बाकी की चीज़ें ओवरसीज़ ब्लॉक में हमने न्यू कुछ इन्वेंट्री जो है उसको अवेलेबल किया है मार्केट में फॉर सेल. जे ब्लॉक में हम कुछ लिमिटेड प्लॉट्स हमारे पास आए हैं पोजीशन और उसके साथ, तो वो इंशाल्लाह आप लोगों के पास अवेलेबल होंगे 1 ईयर के इंस्टॉलमेंट प्लान के साथ. एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक में हमारे पास 5 मरला 10 मरला 1 किनाल एंड 2 किनाल के प्लॉट्स पोजीशन के साथ अवेलेबल हैं. उनकी बुकिंग्स चल रही हैं. 1 किनाल एंड 2 किनाल में हमारे पास DE में कुछ थोड़ी बहुत ऑप्शंस अवेलेबल हैं. डाउनटाउन ऑब्वियसली डाउनटाउन में हमारे पास कमर्शियल 25% डाउन पेमेंट के साथ आप पोजीशन दे रहे हैं, 1 ईयर का पेमेंट प्लान है वहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है. तो ये सारी चीज़ें हैं मेरे ख्याल में. इसमें हमारे पास सबसे ज़्यादा मैक्सिमम तो इस वक्त पोजेशन वाली ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि हम मार्केट में सेल कर रहे हैं. That's amazing. See, like, if you want to invest in a project, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना, आपको पोजेशनेबल ऑप्शंस चाहिए. Yes, there will be, maybe you will think a little bit costly, but I think it's worth your investment, it's worth your money, so you have to go for it. अगर आप लोग पार्किंग सिटी में फ्रेश बुकिंग्स करवाना चाहते हैं थोड़ा सा वेट करके कि 3-4 साल में हमें मिल जाए आराम से इंस्टॉलमेंट्स दें, वो भी ऑप्शन आपके पास है. अगर आप चाहते हैं कि आपको फॉरन से पोजेशन चाहिए ताकि आप अपना घर बनाना स्टार्ट कर सकें, वो भी ऑप्शन आपके पास है. यस, एवरीथिंग दैट यू वॉन्ट. तो किसी किस्म के भी आप लोगों की मजीद क्यूरीज हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं. नंबर जो है वो स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी गिवन है. कॉमेंट्स में भी आप लोगों के कुछ सवाल आते हैं तो आप लोग जरूर पूछें. और एक चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी वो ये है कि हम लोग टुमारो मी एंड मिस कैफे शाह वी आर गोइंग टू द साइट. एक्चुअली हम लोग वहाँ पर कुछ साइट की चीज़ें हैं, वहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है जो मैं कवर करना चाहती थी. एंड आई डिसाइडेड व्हाई नॉट टू टेक द एक्सपर्ट विद मी एंड जस्ट मेक इट टुगेदर बिकॉज आई नो कि आप सबको भी बहुत अच्छा लगता है जब हम लोग कॉन्टेंट मिलकर बनाते हैं. यू ऑलवेज लाइक इट एंड आई गेट अ लॉट ऑफ गुड फीडबैक फ्रॉम ऑल ऑफ यू. तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों को जरूर इस वीडियो से आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा. दैट इज ऑल आई केयर अबाउट एंड थैंक यू सो मच कैफे शाह फॉर बीइंग विद मी. थैंक यू सो मच विद मी व्हेन आई आस्क यू टू. इट मींस अ लॉट टू मी एंड इट मींस अ लॉट टू एवरीवन हु वाचेस. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. तो व्यूअर्स मैं आप लोगों ने बहुत सा ख्याल रखा है और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. Make sure to share this video, make sure to like it, comment as well. और हमें जरूर बताइएगा कि आपको किस तरह का लगा, कैसा लगा ये content. अपना बहुत सा ख्याल रखें. अमानत.com, पाकिस्तान's first investment portal. मशवरा अमानत है.